प्लेट में ले लिया। और साथ में ये देखो, ये यूनिक है, चिकन कबाब पुलाव। इफेक्ट। और मिक्स करके फुल फ्लेम पे अभी 2 मिनट पकाऊंगी। हाय, तो आज मैं फिर से आ गई एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, वो है मटन फैट करी, स्पाइसी मटन फैट करी। सब लोगों को पसंद नहीं है ये, किसी किसी को बहुत पसंद है, तो जिनको पसंद है उन सब के लिए आज की मेरी ये रेसिपी। आप मैडी के मकबंग में हमेशा देखते हो वेराइटीज टाइप के बना देती हूँ मटन फैट करी, तो आज एक टाइप की मैं बना रही हूँ। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में एकदम सिंपल और इजी तरीके से बनता है, कोई तामझाम नहीं है। तो चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट लिया मैंने। तो उसके लिए मटन फैट चाहिए एकदम फ्रेश, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। बड़े साइज़ का 2 अनियन को बारीक चॉप कर लिया, 4 लहसुन ले लिया साबुत, और 5-6 ग्रीन चिली ले लिया अच्छे फ्लेवर के लिए। कारी पत्ता डालूंगी मैं, और गार्निशिंग में थोड़ा फ्रेश धनिया पत्ता डालूंगी, और 4 टमाटर ले लिया मैंने। सरसों के तेल में बहुत टेस्टी बनता है तो मैंने सरसों के तेल ही ले लिया। और ये अदरक 2 इंच के 2 टुकड़े के अदरक ले लिया मैंने, और 2 लहसुन की कली भी ले लिया। ये साबुत कश्मीरी रेड चिली लिया मैंने, इन सब का मैं पेस्ट बनाऊंगी। और नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। छौंक में हम खड़ा मसाला यूज़ करेंगे, 2 टुकड़ा दालचीनी, 5-6 ग्रीन इलायची, 4-5 लौंग और 1 चुटकी जीरा। और मसाले में मैंने ले लिया जीरा पाउडर, और किचन किंग मसाला ले लिया मैंने, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। बस इतना ही सिंपल इंग्रेडिएंट में बहुत टेस्टी और लजीज एक डिश बनता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लिया मैंने, और उसमें मैं डाल दूंगी मस्टर्ड ऑयल। ये 3 चम्मच तक मैं मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। पहले इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, ऑयल से एकदम अच्छा धुआं निकल गया। अब मैं डाल दूंगी ये सारा खारा मसाला। तो खारा मसाला भूनते ही मैं डाल दूंगी ऑनियन, और साथ ही साथ मैं डाल दूंगी टमाटर, और मिक्स करके अच्छे से भून लूंगी जब तक ऑनियन और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब मैं डाल दूंगी 1 चम्मच नमक। ये है मम्मी वाला प्यार, नमक स्वाद अनुसार। तो नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दूंगी और भून लूंगी जब तक टमाटर और ऑनियन एकदम अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, और हल्का सा ऑनियन में कलर भी चेंज हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई कर लिया, टमाटर भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी ये साबुत लहसुन, और मैं डाल दूंगी फ्रेश करी पत्ता। मिक्स करके हल्का सा भून लूंगी। प्याज टमाटर लहसुन भूनते भूनते मैं बना लूंगी पेस्ट। ये साबुत कश्मीरी रेड चिली, लहसुन और अदरक, 2-3 चम्मच पानी डाल के फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो ये बन गया है फाइन पेस्ट, ये डाल दूंगी, और साथ ही साथ ये सारा मसाला डाल दूंगी, और मिक्स करके अच्छे से भूनूंगी। तो मिक्स करके सारा मसाला अच्छे से भून लिया, और मसाले से ऑयल अलग होने लग रहा है। तो अभी मैं डाल दूंगी पानी ग्रेवी बनाने के लिए। तो मैं डालूंगी एकदम बॉयल पानी, गरम करके एकदम से। मटन बनाएंगे या मटन फैट, इसमें गरम पानी ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और हमेशा गरम पानी ही यूज़ करना चाहिए मटन का कोई सा भी रेसिपी हो। तो पानी डालने के बाद अच्छे से बॉयल कर लिया ग्रेवी को। तो अब मैं डाल दूंगी फैट। तो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और अभी बॉयल होने दूंगी, मैं ढक के पकाऊंगी 8-9 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। तो ढक्कन उठा के हम चेक कर लेंगे, 8-9 मिनट से मैं मीडियम फ्लेम पे पकाया, ये पक भी जाता है, एकदम पक भी चुका है, और इनके अंदर भी एकदम मसाला सब कुछ घुस जाता है, तभी इनके कलर भी चेंज हो जाता है, फूल फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं। और साथ ही साथ लहसुन भी पक चुका है। अब मैं डाल दूंगी ग्रीन चिली फ्लेवर के लिए, और थोड़ा फ्रेश धनिया पत्ता, और मिक्स करके फुल फ्लेम पे अभी 2 मिनट पकाऊंगी।
तो 2 मिनट फुल फ्लेम पे पका लिया तो एकदम रेडी हो चुका है, बहुत जल्दी बन जाता है और कम से कम इंग्रेडिएंट में बन जाता है, बहुत ही इजी और सिंपल होता है। पर जिनको पसंद है खाना वो बहुत टेस्टी लगता है उनको, तो आप लोगों को ट्राई करना है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। प्लेटिंग मैडिट्स दिखाएंगे बिहाइंड द सीन में, और आप लोग बना के ट्राई करने के बाद मुझे बताना कैसा था ये मटन फैट करी रेसिपी मेरी, और कहाँ से देख रहे हैं तो ज़रूर बताना। तो गाइस, मम्मी का फैट करी रेसिपी आप लोगों ने देख लिया है, और जब भी मैं फैट करी का मकबैंग बनाती हूँ तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब व्यूज काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आज मेनू में क्या क्या है वो मैं आप लोग को अभी दिखा देती हूँ। तो किचन थोड़ा सा मेसी है इसलिए सॉरी, क्योंकि अभी सब कुछ क्लीन होने वाला है मेरे वीडियो के बाद। तो ये रहा फैट करी, ये बच गया है फैट करी, और यहाँ पे 2 कटोरी मैंने भर भर के फैट करी ले लिया है। और भी चीज़ें हैं, चलो मैं स्टूडियो में जाके दिखाती हूँ आप लोग को। तो गाइस ये देखो, ये फैट करी मैंने एक्चुअली आप लोगों ने देखा था कि मैंने दूसरे कटोरीज में लिया था, पर मुझे प्लेटिंग के टाइम पे जम नहीं रहा था तो मैंने चेंज करके ये बड़े वाले प्लेट में ले लिया। और साथ में ये देखो, ये यूनिक है चिकन कबाब पुलाव, और ये एक्स्ट्रा ग्रेवी है, ये होल चिकन का एक्स्ट्रा ग्रेवी है, और ये फैट करी का एक्स्ट्रा ग्रेवी है। तो यही है हमारा आज का मेन्यू, देख लो काफ़ी बड़ा मेन्यू है, और इसको खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और फैट करी तो मेरा फेवरेट है ही। तो गाइस कैसा लगा आज का मेरा प्लेटिंग और मम्मी का फैट करी, आई होप आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।